स्टूडेंट्स, आई एम योर संस्कृत टीचर एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय संस्कृत क्लास। जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज हम आपको संस्कृत के चतुर्थ पाठ नपुंसक लिंग शब्दों का प्रयोग इस पाठ का अर्थ समझाने जा रहे हैं। बच्चों, चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र को दिखाकर प्रश्न पूछा गया है, एतत किम अस्ति, यह क्या है। एतत चित्रम अस्ति, यह चित्र है। चित्रम कस्य अस्ति, चित्र किसका है। चित्रम आजादस्य अस्ति, चित्र आजाद का है। इदम किम अस्ति, यह क्या है। इदम कमलम अस्ति, यह कमल है। कमलम कुत्र विकसति, कमल कहाँ खिलता है। कमलम सरोवरे विकसति, कमल तालाब में खिलता है। इदम किम अस्ति, यह क्या है। इदम फलम अस्ति, यह फल है। फलम कीदृशम अस्ति, फल कैसा होता है। फलम मधुरम अस्ति, फल मीठा होता है। एतत् किम अस्ति, यह क्या है। एतत् मानचित्रम अस्ति, यह नक्शा है। मानचित्रम कस्य अस्ति, नक्शा किसका है। मानचित्रम भारतवर्षस्य अस्ति, नक्शा भारतवर्ष का है। जो अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को देखेंगे। वीडियो देखकर आप अपनी पुस्तक में अभ्यास कार्य स्वयं करें। कमलम कुत्र विकसति, कमल कहाँ खिलता है। कमलम सरोवरे विकसति, कमल तालाब में खिलता है। चित्रम कस्य अस्ति, चित्र किसका है। चित्रम आजादस्य अस्ति, चित्र आजाद का है। फलम कीदृशम अस्ति, फल कैसा है। फलम मधुरम अस्ति, फल मीठा है। मानचित्रम कस्य अस्ति, नक्शा किसका है। मानचित्रम भारतवर्षस्य अस्ति, नक्शा भारतवर्ष का है। अब बच्चों, इन शब्दों का आपको हिंदी अर्थ लिखना है। चित्रम माने तस्वीर, मानचित्र माने नक्शा, फलम माने फल, सरोवरे माने तालाब में। नेक्स्ट इज, चित्र देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इदम फलम अस्ति, इदम कमलम अस्ति, एतत् चित्रम अस्ति। बच्चों, इसी तरह आप भी अपनी पुस्तक में स्वयं भरकर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। थैंक यू।